दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय जयपुर में एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के एमेरिट प्रोफेसर डॉक्टर बालाकृष्णन सुब्रमण्यम ने शोध और विकास पर व्याख्यान दिया और कहा कि बायोटेक्नोलॉजी विषय क्षेत्र में शोध करना विस्तृत और व्यापक है। निम्स विश्वविद्यालय के शोधार्थी और प्रोफेसर एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च एजेंसी से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन होटल प्रशासनिक भवन के सेमिनार हॉल में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर स्वर्णलता ने बताया कि निम्स विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे एरोस्पेस, मैकेनिकल न्यूक्लियर, बायोटेक व फ्लूड इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं के लिए एक अचीवमेंट है। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापित और संचालन प्लेसमेंट अधिकारी आशीष माथुर ने किया। इस अवसर पर सभी कॉलेज के प्राचार्य, शिक्षक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। So I think that there is a lot of opportunity in aerospace engineering, biotechnology, nanotechnology, and also in terms of drug discovery, you know, finding new drugs. So there's a lot of scope for research and development, and faculty should get involved in writing grant projects. Sometimes collaboratively helps, individually is maybe not possible. So different departments can come together and write grant proposals to Department of Science and Technology and other places and get the grants and help the students recruit, and I think then the university can become even more famous. All Rajasthan